बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा ने 7 जन्मों के लिए एक दूसरे का हाथ थाम लिया है। उदयपुर के लीला पैलेस में हुई शादी की पहली तस्वीर का इंतजार हर कोई दिल थाम कर कर रहा था। शादी के बाद परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा की पहली तस्वीर सामने आ गई है। मिस्टर और मिसेस चड्ढा इस तस्वीर में बेहद ही खूबसूरत नजर आ रही है। मांग में सिंदूर, हाथों में चूड़ी और पिंक साड़ी में परिणीति नए नवेली दुल्हन की तरह खूब जच रही है, तो वही ब्लैक सूट में राघव चड्ढा भी डैशिंग लग रहे हैं। ये तस्वीर 24 दिसंबर की शाम हुए रिसेप्शन की है, जिसे परिणीति और राघव चड्ढा के फैन पेज ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। कैप्शन में बता है कि ये तस्वीर रिसेप्शन की है। शादी के बाद इस कपल की पहली झलक मिलते ही ये तस्वीर वायरल हो गई है। आपको बता दें कि रविवार को शादी उदयपुर की लीला पैलेस में हुई। 22 सितंबर को शादी की रस्म मेहंदी सेरेमनी के साथ शुरू हुई। 23 सितंबर को हल्दी और सूफी नाइट में जमकर धमाल हुआ। सिंगर नवराज हंस संगीत सेरेमनी में पहुंचे और उन्होंने ही इसकी पहली झलक सोशल मीडिया पर दिखाई। हालांकि इंस्टाग्राम पर तस्वीर शेयर करने के कुछ देर बाद ही उन्होंने ये तस्वीर डिलीट कर दिया। इस बीच चंद मिनटों में ये तस्वीर वायरल हो गई, जिसमें परिणीति के रिश्तेदार सहित बॉलीवुड के कुछ करीबी लोग पहुंचे। वही आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा के कुछ खास लोग भी इस शादी के गवाह बने। पंजाब के सीएम भगवंत मान सिंह और अरविंद केजरीवाल सहित कई बड़े नेता इस कपल को बधाई देने पहुंचे। शादी की पहली तस्वीर का अभी इंतजार है, लेकिन जो मेहमान इसे अटेंड करने पहुंचे, उन्होंने अपनी तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की है। परिणीति चोपड़ा की दोस्त सानिया मिर्जा इस समारोह में अपनी बहन के साथ पहुंची। उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी तस्वीर शेयर की है। खबर है कि ये कपल 25 सितंबर को दिल्ली वापस लौटेंगे। जानकारी के लिए बता दें, परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा की सगाई 13 मई को दिल्ली के कपूरथला हाउस में हुई थी। इस एंगेजमेंट के दोनों की करीबी लोग मौजूद थे। परिणीति की बहन प्रियंका चोपड़ा भी एंगेजमेंट में शामिल हुई थी, लेकिन शादी अटेंड करने वो नहीं पहुंची। प्रियंका चोपड़ा ने सोशल मीडिया के जरिए कपल को शादी की बधाई दी है। तो फिलहाल आपको परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा की शादी की ये पहली तस्वीर कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।